हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं गुलकंद, जैसा कि आपने देख लिया है, और मैं इसे बनाऊंगी रोज पेटल्स से। और ये रोज पेटल्स आप इसमें देसी गुलाब को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं ले रही हूँ मिश्री, आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मिश्री थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस अच्छा होता है, तो मैं इसमें दाल मिश्री यूज़ कर रही हूँ। ये मिश्री आप किसी भी किराने के स्टोर में या किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगी। चलिए अब इस दाल मिश्री और गुलाब की पंखुड़ी बस इन्हीं दो चीज़ों से बनेगी, पर थोड़ी टिप एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ पे मैंने मिश्री को पाउडर फॉर्म में बना लिया है और गुलाब की सारी पत्तियों को तोड़कर अलग रख लिया है। अब यहाँ पे मैं, आप देखिए किस तरीके से मैं डाल रही हूँ, जितनी गुलाब की पत्तियाँ हैं, यानी एक बाउल गुलाब की पत्ती है तो एक बाउल ही हमारे पास पिसी हुई मिश्री भी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको मिश्री के साथ में गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरीके से तोड़ देना है। इसमें हल्का पानी आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, इसी तरीके से आपको इसको तोड़ देना है। ये देखिए, बस इसी तरीके से बनाते जाना है और सारी की सारी गुलाब की पत्तियों को मिश्री के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। इतने अच्छे से मिलाना है ताकि इसकी सारी पंखुड़ियों के अंदर बहुत ही अच्छे से मिश्री कोट हो जाए। इसके लिए एक ही प्रमाण है कि आप गुलाब की पंखुड़ी जितनी है उतनी ही बराबर टूटी हुई पंखुड़ी के बराबर में आपकी मिश्री पिसी हुई होनी चाहिए। बस यही अनुपात है, इस अनुपात का ही आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से देखिए, मैंने सारी की सारी गुलाब की पत्तियों को करना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं एक छोटे से जार में डाल रही हूँ। ये क्वांटिटी आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पास इतना गुलाब की पंखुड़ियों का गुलकंद बनके तैयार हो जाएगा। देखिए अभी चीनी अच्छे से पकी नहीं है ना, तो इस कारण से ये ऐसा दिख रहा है। सारी की सारी को मैंने इकट्ठा करके इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिश्री को कोट कर दिया। जितना भी मेरे पास था सबको मैंने बनाया है, मैं और भी इसमें बना के डालूंगी तो ये पूरा भर जाएगा। बट इस तरीके से आपको इसको उठा के धूप में रखना है, जहाँ गर्म जगह हो ना वहाँ पे रखिए। धूप में लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर ये काफ़ी अच्छे से घुल जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिनों तक। ये देखिए, आप बीच बीच में इसको चला सकते हैं और इस तरीके से आपको इसमें धूप में रखना है। लगभग 6 से 7 दिनों के बाद आपके पास ऐसा गुलकंद बनके तैयार हो जाएगा जैसा आप मार्केट में देखते हैं, और आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। 1 चम्मच गुलकंद को आप 1 गिलास पानी में अगर खाली पेट लेते हैं तो ये काफ़ी पेट को राहत देता है गर्मी में। तो फ्रेंड्स, गर्मी में ये गुलकंद की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकॉन, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Catch me if I fall.